देख रहे हैं रायबरेली न्यूज। और आज से शक्ति और उपासना का पर्व नवरात्र जिसकी आज शुरुआत हुई है, और हम हैं जनपद अमेठी के ऐतिहासिक कस्बे शाहमऊ में। शाहमऊ कस्बा जायस रेलवे स्टेशन से इसी मार्ग पे 7 किलोमीटर पे एक कस्बा है शाहमऊ, जो जायस रेलवे स्टेशन से मोहनगंज मार्ग पे 7 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक माँ अष्टभुजा देवी का शक्ति पीठ है, जो ऐतिहासिक शक्ति पीठ है, और आज हम आपको लेके चलते हैं उस शक्ति पीठ में। तो जब आप ऐतिहासिक शाहमऊ कस्बे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको ये दरवाज़ा नज़र आएगा जिस पे लिखा हुआ है माँ अष्टभुजा देवी द्वार, और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अंदर वो मंदिर स्थित है। और हम आपको लेके चलते हैं आज उस मंदिर में और दिखाते हैं उस मंदिर की एक झलक। हम आ पहुँचे हैं ग्राम सभा शाहमऊ के आबादी कोट में स्थित माँ अष्टभुजा देवी के मंदिर में। ये मंदिर जो है ऐतिहासिक मंदिर है और ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना हुए लगभग 400 साल हुए हैं, और इस मंदिर की स्थापना के राजा साहब ने किया था, राजा दुर्गत सिंह जी ने। ये आप जो देख रहे हैं राजा दुर्गत सिंह का महल है, जो राजा शाहमऊ के राजा साहब थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। और आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है ये माँ अष्टभुजा देवी का मंदिर है, और उसके जस्ट बगल में ये बजरंगबली का मंदिर है, जिसको यहाँ के स्थानीय भोंदू जमादार जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1980 में, और इसका उद्घाटन संजय गांधी ने किया था। और ये आप देख सकते हैं ये माँ अष्टभुजा देवी का मंदिर है और ये ऐतिहासिक मंदिर है। हम आपको अंदर ले चलते हैं, नवरात्र का पहला दिन है। और इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि इसकी जो मूर्ति है वो जायस कस्बे से लाई गई है और लगभग हजारों वर्ष पुरानी है, क्योंकि जायस कस्बा जो था वो ऐतिहासिक कस्बा था, यहाँ पे ऋषि मुनि रहा करते थे। इतिहास है जिसका जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने अपने एक ग्रंथ है कान्हावत, जिसमें उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो जायस नगर है ये यहाँ पे पहले ऋषि मुनि रहा करते थे, तो यज्ञ किया करते थे। तो ये जो मूर्ति है वहीं से निकाली गई है और लगभग हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है ये, क्योंकि शक्ति की उपासना आते हैं यहाँ पे, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से यहाँ पे आने से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और ये ऐतिहासिक मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना लगभग 400 साल पहले हुई थी, यहाँ के राजा दुर्गत सिंह जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और इस मूर्ति का इतिहास काफ़ी पुराना है, और ये मूर्ति चूँकि जायस में प्राप्त हुई थी, राजा साहब यहाँ के जो थे उनको सत्र में दिखाई दिया था कि यहाँ पे एक मूर्ति है आप आके ले जाइए, और तब वो गए और वहाँ से लेके आए और इस मूर्ति की स्थापना की थी। और यहीं पास में ही एक गोसाई बाबा का मंदिर है जहाँ पे लोग आते हैं, हम ले चलते हैं आपको उस मंदिर में। वो गोसाई बाबा का मंदिर है जिसमें लोग आते हैं अपनी आस्था लेके और उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ के लोगों का गोसाई बाबा जो थे वो गायों को पाले हुए थे, उनके पास बहुत सारी गायें थी, और जिन्होंने ये आप ये देख रहे हैं
ये गोसाई बाबा का मंदिर है, ये माँ अष्टभुजा देवी मंदिर के ठीक पीछे है और ये राजभवन शाह मऊ में के प्रांगण में स्थित है। और ये जो ऐतिहासिक पेड़ है, ये लोगों का मानना है ये काफ़ी पुराना पेड़ है, लगभग 300-400 साल पुराना वृक्ष है जिसको गोसाई बाबा लगाया था। आप देख सकते हैं ये और काफ़ी पुराना वृक्ष है। तो ये है गोसाई बाबा का मंदिर। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी आस्था इनसे जुड़ी हुई है, आते हैं लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ये गोसाई बाबा का मंदिर है, लोगों की आस्था कंड रहे है और लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी है सच्चे मन से मुरादें लेके अपनी, तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख रहे थे रावली न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको ऐसे ही रायबरेली और अमेठी जनपद के ऐतिहासिक स्थलों, कला और संस्कृति की जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।